जय हिंद बच्चों, मैं हूँ गाजिम सर। और आज हम लोग जो है साइंस एग्जाम टॉनिक सेट वन के ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो आज का हम लोगों का पहला नंबर सवाल रहेगा, है ना, ध्यान देंगे, बहुत ही आसान। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का सवाल। ठीक है, सबसे पहला नंबर सवाल, सवाल क्या कर रहा है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्या है कि एक समतल दर्पण है, यह ना, एक समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश लंबवत आपतित होगा तो इसे आएगा 90 डिग्री पर आएगा ना। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जब लंबवत पड़ता है तो पुनः उसी पथ पे लौट जाता है, मतलब प्रकाश ऐसे आएगा तो वापस ऐसे लौट जाएगा। तो मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जो रेखा आया उसी रेखा पे वापस गया, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, जीरो। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है। यहाँ ऑप्शन है 1 के बराबर, है ना, 1 से कम, 1 से अधिक, 0। तो ध्यान रखेंगे इसका अपवर्तन, है ना, अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है ना, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। इसीलिए तो प्रकाश का चाल क्या होता है, वायु में थोड़ा कम होता है निर्वात से, है ना, ये मालूम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो चलते हैं अगला नंबर सवाल, क्या कह रहा है यहाँ पर, करा कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होती है। हम लोग को पता है कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम, अर्थात ये हुआ कि अगर कोई चीज़ हमको देखना है तो कम से कम कितना नज़दीक रखें कि हम उसको देख सकते हैं, तो होता है 25 सेंटीमीटर। इसको याद रखना है कितना, तो 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तक ही हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, उससे ज़्यादा अंदर करेंगे तो हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे है कि, है ना, वोल्ट बराबर होता है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ पर सी कूलम और जे जूल है और ए एम्पियर है, तो यहाँ पर हमको वोल्ट क्या हो, वोल्ट के बराबर, अब हम लोग जानते हैं कि विभवांतर भी बराबर क्या होता है, W/Q होता है ना, मतलब W का होता है क्या, हम लोग जानते हैं जूल, कार्य का जूल होता है मात्रक, और यहाँ पे क्या है, आवेश, आवेश का होता है कूलम, तो जूल प्रति कूलम हो जाएगा इसका, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है 5 नंबर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो याद रखना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है ना, सर ऑस्टेड ने खोज निकाले थे, ठीक है, सॉरी, है ना, ध्यान रखना है किसने निकाले थे खोज, है ना, सर ऑस्टेड ने खोजे थे इसको, तो ध्यान रखना है इसको। अगला है सवाल यहाँ पर कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो याद रखना है घर में जो है ना विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है ना, प्रत्यावर्ती धारा हम लोग जानते हैं ना, है ना, जो है ना एक निश्चित वैल्यू के बीच वो फ्लक्चुएट करता है, मतलब बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग 220 वोल्ट, यहाँ पे क्या है, दिष्ट धारा ये नहीं होगा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, सी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग को यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, 7 नंबर, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो लेंस के केवल 2 मुख्य फोकस होते हैं, इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला सवाल की बात करें तो यहाँ पर तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहते हैं, पीतल जो बना होता है ना तांबा और जिंक के मिश्रण करके ही पीतल बनता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना। बढ़िए अगला नंबर सवाल के लिए। तो यहाँ पर अगला नंबर सवाल देखें हम, तो यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पर कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो याद रखना है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्या होता है, 7 से कम होता है ना, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है ना, देखिए ऑप्शन नंबर क्या होता है, क्या है इसमें, CnH2n+2, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए हम आज का, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कौन शून्य वर्ग का तत्व है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। ध्यान रखना है कि शून्य वर्ग में जो तत्व होता है वो होता है हीलियम, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, एक होता है रडान, ठीक है, तो ये होता है शून्य वर्ग का तत्व। अब इसमें देखिए कौन है ऑप्शन में, ऑप्शन में यहाँ पे हीलियम दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो हम लोग को मालूम है कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है, क्यों, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, है ना, मालूम होगा कार्बन, जैसे मेथेन CH4 का जो स्ट्रक्चर लिखते थे CH4, तो क्या कार्बन पे 4 को हाइड्रोजन, तो मतलब 4 बॉन्ड बनाया ना, यहाँ पर चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा रहता था, है कि नहीं,
इसलिए क्या हो जाएगा, चार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला नंबर का सवाल देखें, यहाँ पर तो हम लोग को यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 13, किस वर्ग में सबसे अधिक तत्व होते हैं, ध्यान रखना है सबसे अधिक तत्व सातवां वर्ग में होते हैं, किसमें, सेवेंथ वर्ग में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। इसमें होता है 18 तत्व, है ना, इसमें होता है पचवा में भी 18 तत्व होता है, इस छठा में भी 18 तत्व होते हैं और सातवां में 32 तत्व होते हैं, है ना, कितने होते हैं 32, इसीलिए सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना, आठवां वर्ग में। चलिए अगला सवाल कर रहा है, फ्री वैलेंसी सी एच ओ अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, है ना, फ्री वैलेंसी सी एच ओ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका अगर संरचना सूत्र पूछे तो ऐसा होगा, है ना, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बना लिया, देखिए 1 2 3 4, ऑक्सीजन दो बनाता ही है, हाइड्रोजन एक, तो ये फुलफिल कर रहा है ना, तो ऐसे होगा, तो ये क्या है, इसका नाम तो एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, तो अगला नंबर अगर सवाल देखें तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, कैसे, है ना, इस पहले तो ऑप्शन टिक लगाना है, एक दिशीय, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैसे, देखिए होता क्या कि जैसे मान लीजिए घास है, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा कौन खाता है, कीट खाता है, कौन खाता है, कीट, है ना, कीट, कीट को कौन खाता है, मेढक खाता है ना, मेढक खाता है ना, मेढक कौन खाता है, सांप मतलब सर्प, है ना। अब देखिए सूर्य से ऊर्जा पेड़ पौधे को मिला, पेड़ पौधे से कीट को मिला, कीट से मेढक को मिला, मेढक को सर्प को, मेढक से सर्प को मिलेगा, सर्प कौन खाएगा, है ना, गिद्ध खाएगा, तो इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एक दिशीय हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक दिशीय। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, तो अगला नंबर सवाल देख रहे हैं कि पादप अवशेष संचित होते हैं, तो लिखा है ऑप्शन नंबर ए पत्तियों में, है ना, छाल में, कोशिका कोशिकीय रिक्तिकाओं में, है ना, इनमें सभी में, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि है ना जो क्या कहते हैं पादप अवशिष्ट जो होते हैं ना, इन सभी में, पत्तियों में भी होते हैं, कोशिका रिक्तिकाओं में भी होते हैं और छाल में भी होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देखें, तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा यहाँ पर कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है, तो देखिए चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी और जीवाणु, वैसे देखा जाए तो चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु, ये मानव से कोई ज्यादा, है ना, इसका, है ना, कोई विशेषता समानता नहीं है, मानव से कोई इसका समानता नहीं है, क्यों, मकड़ी से मानव से क्या समानता, कोई समानता नहीं, जीवाणु से तो और नहीं कोई समानता, ठीक है, चिंपैंजी से थोड़ा बहुत समानता है भी, लेकिन अगर विकासित दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर चीन के विद्यार्थी ज्यादा क्लोजेस्ट होंगे, ज्यादा नजदीकी होंगे, है ना, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है, तो ये धमनियां कहलाती है, क्या कहलाती है, धमनियां, मतलब धमनियां ही एक ऐसा रक्त वाहिनियां है जो हमारे हृदय से बॉडी के विभिन्न अंगों में क्या पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है, शुद्ध रक्त पहुंचाता है। ठीक है, चलिए याद रहेगा, अगला नंबर सवाल के लिए चलते हैं, अगला नंबर सवाल अगर हम देखेंगे तो अगला नंबर सवाल हम लोग के लिए है, ना, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक, हम लोग जानते हैं कि, है ना, नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक अंडाणु, दोनों मिलता है तो क्या होता है, जायगोट बनता है, क्या बनता है, जायगोट, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने के बाद, है ना, क्या बनते हैं, जायगोट बनते हैं, क्या बनते हैं, जायगोट, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल, तो यहाँ पे क्या, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, याद रखना है, क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, तो अगला नंबर सवाल हम लोग को यहाँ पर, सॉरी सॉरी, ये लास्ट सवाल था ना, चलिए तो इस तरीके से मेरा सारा आज का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ है, ठीक है, जो कि सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।